वैसे बड़ी बात है उस एज पे टेम्पटेशन तो ही होती है कि रोल मिल रहा है यार कर लूँ, बट आपने चूज़ किया कि नहीं मैं सीख लूँ। हाँ पता नहीं, वो अंदर से एकदम आया था कि मैं कर हाँ लेता हूँ। ओके फिर आई वेंट टू मीट सलीम मेराज, तो ही वॉज़ वेरी काइंड, उन्होंने मुझे बताया थिएटर क्या होता है ये वो, और फिर उन्होंने मुझे, आपको, सॉरी मैं कट कर रही हूँ, आपको हाँ पता था सलीम मिराज के उस वक्त कौन है, क्या उनकी स्टैंडिंग है, एक्टर है इतने बड़े और सब कुछ? आपने उनका कोई नहीं काम भी नहीं देखा हुआ था या देखा हुआ देखा था हुआ था थोड़ा बहुत, लेकिन मुझे नहीं पता था कि किस उस स्केल वक्त, के, हिट नहीं मैं किया जब कि? हाँ बॉलीवुड और देख के बस निकला हुआ था ना बाहर, ओके ठीक है। हाँ तो पाकिस्तानी ड्रामे देखे ही नहीं थे कभी, हाँ तो मुझे इनफैक्ट काफ़ी लोगों का नहीं पता था। तो फिर उन्होंने हाँ मुझे बताया कि नैपा करके एक अदारा है आर्ट्स काउंसिल के सामने जो ये सिखाता है, दी ओनली इंस्टीट्यूशन जो एक्टिंग सिखाते हैं। फिर आई वेंट देयर, नैपा गया, वहाँ ऑडिशन होते हैं, देन आई वेटेड, फिर ऑडिशन दिए। वो पहला ऑडिशन जो था वो बड़ा फ़नी था, उन्होंने मुझे कोई उर्दू में, खालिस उर्दू में लिखी हुई कुछ चीज़ें देनी थी जो उन्होंने मुझे नहीं हैंड ओवर की ऑडिशन के लिए। जब मैं वहाँ गया तो पैनल पे ज़िया मोहिद्दीन, राहत अली, राहत काजमी और तलत हुसैन और ये सारे बैठे हुए थे, 8-10 लोग, और तो उन्होंने मुझे कहा कि आप परफॉर्म करें। तो मैंने अपना कुछ तैयार किया हुआ था, तो उन्होंने कहा नहीं, हमने जो आपको पेपर दिया था वो परफॉर्म करें। मैंने कहा वो तो मुझे कोई पेपर ही नहीं मिला। हाँ तो जो है ना एकदम से उनके बीच में कोई डिस्कशन शुरू हो गई और मैं ऐसे खड़ा हुआ था और वो सामने बैठे हुए थे सारे। तो मुझे लगा थोड़ी देर के लिए, फील हुआ कि शायद अब ये मुझे यहाँ से निकालने वाले हैं। निकालने वाले हैं, तो देन आई, विदाउट यू नो लेटिंग देम नो, मैंने परफॉर्म बोलना करना शुरू कर शुरू कर दिया। दिया। हाँ और वो परफॉर्म मैंने क्या किया, मैंने जिस्म टू फिल्म का एक सीन था रणदीप हुदा का, वो मैंने परफॉर्म करना शुरू कर दिया। और मैंने खुद रणदीप हुदा अपने आप को इमेजिन किया और ज़िया मोहिद्दीन वाज सिटिंग राइट नेक्स्ट टू मी, और मैंने उनको, उनको सनी लियोनी बना दिया। हाँ सही है। और मैं वो परफॉर्म करते करते उन तक गया और मैं चलते हुए वो फुल, मैंने ना बॉलीवुड वाली जो होती है ना वो मैंने परफॉर्म किया। बट आई थिंक अगेन देयर वाज सम ट्रूथ टू इट, आई डोंट नो हाउ आई डिड इट, बट वो सब बकवास था, बट लेकिन कुछ सच्चाई थी जो दैट ही मस्ट हैव ऑल्सो फेल्ट इट व्हेन आई वाज लुकिंग एट हिज आइज बीइंग रणदीप हुदा एंड ट्राइंग टू इमेजिन हिम दैट ही सनी लियोनी, 81-year-old मैन, यू नो, विद अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। एंड नो बडी, मतलब वो बैठे हुए थे तो जो बाकी टीचर्स थे उन्होंने भी इतना स्पेस लिया हुआ था उनकी सीट से, मतलब उनका ये ऑरा है वहाँ पर। एंड आई जस्ट स्ट्रेटली लाइक वेंट अप टू हिम एंड बी लाइक, यू नो, डायलॉग बोलना शुरू कर दिया ऐसे कि ना, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ दे के छोड़ना अच्छा है। तो मैंने वो जब किया तो ही मस्ट हैव फेल्ट इट। तो ये एक चेहरे पर उनकी एक स्माइल आई, फिर उन्होंने कहा मैं आपको एक पीस दे रहा हूँ, आप ये भी परफॉर्म करें। फिर मैंने वो पीस 10 मिनट उन्होंने मुझे दिया, मैंने परफॉर्म किया। देन ही वॉज दी ओनली वन हु वॉज टेकिंग इंटरव्यू, और मुझसे पूछ रहे थे कि आप इसको करेंगे सीरियसली? मैं कहा हाँ हाँ मैं करूँगा। उन्होंने कहा आप छोड़ के तो नहीं भाग जाएंगे? मैं कहा नहीं, मैं छोड़ के नहीं भागूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर दैट्स हाउ आई गॉट इट। स्टार्टेड फिर नापा। हाँ नापा हाँ शुरू हो गया था, भाई बहुत बहादुर हैं आप, पता नहीं। आई एम इम्प्रेस्ड कि जिस्म टू का सीन करना हाँ विद विद ज़िया ज़िया मोहिद्दीन, मोहिउद्दीन, इमेजिन, भाई आपका तो नाम आई हिस्ट्री थिंक में ये लिखा, हाईलाइट होना ये चाहिए आपका कभी, हिस्ट्री में लिखा जाएगा, है ना? ये हमारे इंटरव्यूज है ना, आर्काइव बन रहे हैं हाँ पाकिस्तानी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का, अच्छा तो ये जाएगा कि वो बंदा जिसने हाँ जिस्म टू में प्रिटेंड ज़िया करके मोहिद्दीन को और सनी लियोनी इनको बना सनी दिया, लियोनी बना के किया, वो वाह। ये है। तो ये डेफिनेटली बट इंटरेस्टिंग, एंड आई थिंक ये गट्स भी और ये टैलेंट की जो पैशन है वो भी उनको कहीं ना कहीं क्लिक किया होगा। मे बी शायद मेरा ओवर कॉन्फिडेंस, आई डोंट ओके नो। सो सलीम मिराज से मिलना कैसा था, कुछ याद है तब की मुलाकात, और अब जब आप उनसे मिलते हैं तो क्या कहते अब तो हैं? वो भूल गए, उनको याद भी नहीं उनको है याद आज। भी नहीं नहीं है, मैं कभी सोलह याद साल अच्छा कराया सोलह आपने बाय द वे इनको? आई विल टेल यू, 16 साल का मैं जो है वो एक था, नॉर्मल हाइट का था, लेकिन मैं जब 17-18 क्रॉस कर रहा था मेरी हाइट एकदम से बड़ी हो गई। तो वो उनको उस तरह से याद नहीं है, मैं उनको अभी भी दिलाता हूँ याद, और वो कहते हैं हाँ हाँ मुझे याद है, लेकिन मुझे उनकी शक्ल से पता लग रहा था वो बिल्कुल याद नहीं है। बिल्कुल याद नहीं मैं है। कहा ये हुआ था, कहे हाँ हाँ फिर क्या हुआ था, मैंने नहीं याद आपको। बट ही वॉज काइंड इनफ लाइक या आई टू थिंक दैट वाज टू वेरी नाइस ऑफ हिम टू गाइड यू या यू वेरी नो। नाइस, आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू हिम। अब हम जब मिलते हैं या रिसेंटली काम करते हैं तो मैं बहुत थैंक यू बोलता हूँ उनको इस बात का कि उन्होंने मुझे सही जगह बता दी, सही ट्रू। रास्ता बता दिया। मैं ये भी पढ़ी थी कि आपने फिर फाइनेंशियल रीजंस की वजह से नापा के लास्ट ईयर में छोड़ दिया था टुवर्ड्स द एंड, और लेकिन फिर एक्टिंग करने का सोचा। एक्टिंग तो मतलब सबसे ज़्यादा मुश्किल टाइम लगता है पैसे कमाने में, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आई वुड से, तो ये क्या इसके कुछ
शेयर करेंगे कुछ थॉट्स क्या था? अगेन आई डोंट नो, पता नहीं, एक बहुत ज़ोर से कॉलिंग थी कि यार ये करना है. मतलब थे हालात इतने बुरे नहीं थे, सही थे. फाइनेंशियल हालात से मुराद ये कि अब होता है ना, एक प्लान ए होता है, प्लान बी होता है आपकी लाइफ में. व्हेन यू फॉल बैक ऑन प्लान बी बट देयर स्टिल अ प्लान, तो वो वाली सिचुएशन थी. देयर वाज अ प्लान, देयर वर थिंग्स, बट या आई डोंट नो, मुझे लगा कि शायद ये सही है. क्योंकि उससे पहले मैं कुछ जॉब्स कर रहा था, चीज़ें चल रही थी साइड में, स्टडीज़ भी चल रही थी. तो आई यूज़ टू टीच स्टूडेंट्स, लाइक ट्यूशन्स भी दे रहा था. फिर देन आई स्टार्टेड अ कॉलिंग सेंटर, कॉल सेंटर विद माय कज़न, वो भी चल रहा था. फिर PIA में एक जॉब थी, वो भी साथ में. फिर बीच में आई एंड देन एक्टिंग. ये 16 साल की उम्र से आप ये सब चीज़ें कर रहे हैं? हाँ, बैक टू बैक चल रही थी. तो कितना मुश्किल था, जब अगर फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट्स हो ज़िंदगी में और उस एज पे कैसे मैनेज करते हैं, क्या चल रहा होता है एक यंग लड़के के दिमाग में? इज़ इट ओके, इज़ इट चैलेंजिंग? अब आप वापस देखते हैं तो कोई ऐसी चीज़ें जो आप उस जर्नी का हमसे शेयर कर सकें, कुछ स्ट्रगल्स शेयर कर सकें और लोग जो इसी स्टेज से गुजर रहे हैं उनके लिए? उस वक्त तो मुझे नहीं पता लगा. उस वक्त इतना मैं पागल था, अंधा था एक चीज़ को फॉलो करने में, कि मुझे एहसास नहीं हुआ कि इर्द गिर्द क्या चीज़ें कमी हैं या क्या नहीं होनी चाहिए. विच इज़ अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, आई थिंक. हाँ, आई थिंक इट वॉज, बट नाउ आई लुक बैक, आई थिंक इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टाइम, यू नो. बट आई फील लाइक एवरीबडी गो थ्रू इट, एंड डिफिकल्ट टाइम मेक्स यू, यू नो. आई एम थैंकफुल दैट आई गॉट थ्रू ऑल ऑफ दैट, यू नो. वरना मुझे वो एक्सपीरियंसेस, वो चीज़ें नहीं मिलती शायद. किस तरह के एक्सपीरियंसेस, फॉर एग्जांपल? आई थिंक इट शेप्स यू. इफ आसानी से सब कुछ हुआ होता तो शायद इतनी वैल्यू ना होती चीज़ों को, या इतना निडर नहीं होता मैं. मतलब आज अगर 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, एंड आई वांट टू लीव दिस वर्क एंड स्टार्ट समथिंग एल्स, आई विल डू इट इन अ हार्टबीट. Okay. Because I know that I can start from minus or scratch and start doing anything that I would like to. Resilience आ गई आपके अंदर. Yeah, you can say that. Okay. But किस किस्म की struggle थी, मतलब क्या? भाई जो हर किसी की होती हैं, like. कुछ किस्सा सुना दे मुझे, please. जब मेरा पहला मुझे commercial theatre play मिला था Avanti, तो उसकी rehearsals होती थी Beach Luxury में. मेरा घर उससे थोड़ा दूर होता था, तो मुझे मेरे पास एक bike होती थी 125. तो उसका आगे का जो mudguard होता है वो खराब, टूट गया था. तो मैं आ रहा था तो बारिश हो रही थी, दैट्स हाउ आई रिमेम्बर इट. तो वो जब चल रहा था, टायर रोल हो रहा था, तो उसकी कीचड़ उछले जा रही थी. आई डोंट हैव हेलमेट विद मी, तो मेरे फेस पे आया जा रहा था. बाय द टाइम जब मैं होटल पहुंचा वहाँ पे रिहर्सल्स के लिए, तो मैं पूरा कीचड़ में था. एंड आई सॉ पीपल कमिंग इन द कार, यू नो, आराम से वो, और मैं लीड कर रहा था उसमें माजरू. I felt like, yeah, ye to bahut hi, and I went up to the washroom, our director bhi tha, I was like, shit, man.